राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी है, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 नंबर संबंधित क्वेश्चन है एनालॉगी से, और यहाँ पे हमें 132 और 156 दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है 462 का संबंध किस वाले नंबर के साथ होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 132 का जो संबंध किया गया है 156 के साथ, तो इनके बीच में देखो क्या लॉजिक लगेगा। अगर मैं इसको 11 और 12 के रूप में लिखूं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे 132 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 156 में मैं क्या कर सकता हूं, 12 और 13 का आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जहां से मुझे 156 प्राप्त हो जाएगा। वहीं पे मुझे दे रखा है 462। 462 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, वो कौन से जो नंबर होंगे जो कंसेक्यूटिव आएंगे। तो देखो, 462 के लिए जो नंबर बन सकते हैं वो है 21 और 22। 21 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें 462 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 12 लिया था, यहाँ पे 12 और 13 बना है, तो यानी कि 22 और 23 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे 506 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4th वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से लॉजिक लगा है, तो आपको इस तरीके से भी आइडिया लगाना होगा कि हम किस प्रकार से नंबरों को ब्रेक करके उनका आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी नंबर संबंधित है। यहाँ पे हमें 14 का संबंध 182 के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है 22 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो 14 का संबंध 182 से किस प्रकार से हो सकता है, वो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। देखो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 14 का मल्टीप्लाई इसके जस्ट एक पीछे वाली संख्या से कर दूँ, वो क्या होगा 13। तो 14 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 182 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 22 और 21 का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 482 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन 1st वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो हमने भी पीछे किया था ना क्वेश्चन, कुछ उसी आधार पर है। तो आपको देखना होगा कि इन दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, वो कंसेक्यूटिव संख्या होनी चाहिए, एक के बाद आने वाली संख्या होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और संख्या संबंधित क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें 36 और 27 के बीच में देखना है किस प्रकार से लॉजिक लगा है, उसी लॉजिक को फिर हमें 16 और नेक्स्ट वाले नंबर के साथ लगाना होगा। तो देखो, 36 और 27 के साथ क्या लॉजिक लग सकता है, अगर आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़े होंगे तो एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से आप, कि ये किसी न किसी का स्क्वायर होता है और ये किसी न किसी का क्यूब होता है। तो अगर हम देखें, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, और 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है, और 3 का क्यूब करता हूँ तो मुझे 27 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, और 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 2 प्राप्त होगा, और 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। ऑप्शन 4th वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको, बहुत इजी है, बस आपको स्क्वायर और क्यूब थोड़े पता होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है एनालॉगी से, और यहाँ पे हमें सी डी ई का संबंध एक्स डब्ल्यू वी के साथ दे रखा है, तो आपको चेक करना है किस प्रकार का रूल लगा इनके बीच में, और उसी रूल को आपको लगाना है एच आई जे के साथ, और इसके साथ किस अक्षर का संबंध होगा वो बताना होगा। तो देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है सी डी और ई का संबंध जो है हमें दिया गया है एक्स डब्ल्यू वी के साथ। तो अगर आप देखोगे
सी का अपोजिट जो लेटर होता है वो एक्स होता है, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है और वी का अपोजिट लेटर वी होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पे एच का जो अपोजिट लेटर होता है वो एस होता है और आई का जो अपोजिट लेटर होता है वो आर होता है और जे का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्यू होता है। तो जहाँ पे भी ये तीनों अक्षर आ रहे हैं वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन पहले वाला एस आर क्यू, यहाँ पे भी एस आर क्यू है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बस ध्यान देना है किस प्रकार से अक्षर संबंधित क्वेश्चन के अंदर रूल लगा हुआ है, इंक्रीज किए जा रहे हैं लेटर, डिक्रीज किए जा रहे हैं लेटर या अपोजिट लेटर हैं। अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो 10 से 12 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप उन सब वीडियो को देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके और एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एनालॉगी से पूछे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 6 और 252 दे रखा है और हमें बताना है 5 के साथ किस वाले नंबर का संबंध होगा। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा लॉजिक, हमें मिलेगा 6 और 52 के बीच में फाइंड आउट करना होगा किस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक लगा है जिससे कि 6 से 252 बनाया गया है। तो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे और क्यूब याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ और 6 का ही क्यूब करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 6 और 6 होता है 12, हासिल 1, 3, 4, 5 और 2, 252 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर और क्यूब करना है, फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसी के साथ अगर हम देखें हमें दे रखा है 5, और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं और क्यूब करूं, स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे कितना दे देगा 25, और अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये मुझे कितना दे देगा 125, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये दे देगा 150, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा किस प्रकार से आपको स्क्वायर और क्यूब के द्वारा भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ लगा पाएंगे, इस प्रकार के लॉजिक लगा पाएंगे तो इजीली ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है पैटर्न के बारे में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आप इसका जवाब कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। और साथियों अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो वो चैनल ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 4 और 25 के बीच में लॉजिक देखना है किस प्रकार से 4 से 25 बनाया गया है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 4 के अंदर 1 प्लस कर दूँ तो ये होता है 5, और 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये होता है 25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले वाली संख्या के अंदर 1 प्लस करेंगे और जो भी एडिशन निकल के आएगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें सेकेंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना है किसके अंदर ये लॉजिक सही बैठ सकता है। तो अगर मैं 11 के अंदर 1 प्लस करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पे 170 दे रखा है, यानी कि ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 के अंदर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एच ई ए वी वाई का संबंध जो है आई सी बी टी जेड के साथ दे रखा है। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, अगर मैं एच से आई तक जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे +1 करना पड़ेगा जहाँ से मैं एच से आई पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद अगर आप देखोगे ई से सी तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, और कितना पीछे जाना पड़ेगा, -2 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। ई को छोड़ूंगा, डी को छोड़ूंगा तो मैं सी पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे ए से बी तक जाना है यानी कि +1 करना है, और वी से टी तक जाना है -2 करना है, और वाई से जेड जाना है यानी कि +2
वन करना है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस समझ आ रहा होगा कि प्लस वन माइनस टू, प्लस वन तो माइनस टू, कुछ इस प्रकार से ये रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इस रूल का हम यूज़ करने वाले हैं LIGST के अंदर और अपना आंसर करेंगे। तो आपको देखना है L में हमें क्या करना है, प्लस वन करना है, और प्लस वन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, M मिल जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, पहले वाला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा क्योंकि G दे रखा है, तीसरा नहीं होगा H दे रखा है, और चौथा नहीं होगा क्योंकि F दे रखा है। तो यानी कि हमें पहली बारी में अपना आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप भी कुछ इसी प्रकार से कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि आप कम से कम समय के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें रेत और रेगिस्तान के बीच में संबंध चेक करना है, उसके बाद हमें देखना है पानी के साथ किस वाले शब्द का संबंध होगा। तो रेत और रेगिस्तान के बीच में देखो क्या संबंध है, बड़ी मात्रा में रेत कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान में मिलता है। उसी बड़ी प्रकार से बड़ी मात्रा में जो पानी है, पानी का भंडार है, वो कहाँ होता है, महासागर में होता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 7 और 42 के बीच में देखना है किस प्रकार से लॉजिक लगा हुआ है। तो देखो 7 और 42 के बीच में क्या लॉजिक लगा हुआ है, अगर मैं 7 के अंदर से एक नंबर घटा दूँ तो क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, और 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे सेकंड नंबर दे देंगे। उसी प्रकार 18 दे रखा है, 18 में से एक नंबर निकाल दूंगा तो मुझे 17 प्राप्त हो जाएगा, और 18 और 17 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये दे देंगे 306, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना, और आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो शब्द दिए गए हैं, तीव्र और धीमा, और इनके बीच में दो संबंध हैं, वो अपोजिट संबंध हैं, यानी कि दोनों शब्द आपस में अपोजिट हैं। उसी प्रकार से बासी और ताज़ा, ये दोनों अपोजिट शब्द हैं, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें STAR का संबंध जो है PRWU के साथ दे रखा है। देखो क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं S से P तक जाऊँ तो यानी कि मुझे पीछे जाना पड़ेगा, और कितने लेटर पीछे जाना पड़ेगा, -3 लेटर पीछे जाना पड़ रहा है। उसी प्रकार T से R तक जाने के लिए -2 लेटर करने पड़ेंगे, और A से W तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे -4 लेटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो आपको समझ नहीं आएगा, पर यही लॉजिक लगने वाला है इसके साथ। R से U तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे आगे जाना पड़ेगा और मुझे +3 लेटर आगे जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो -3, -2, -4 और +3 कर रहे हैं, तब जाके हमें एक रूल मिल रहा है, और इसी रूल को आपको लगाना है किसके अंदर, TRZP के अंदर, और यहाँ से अपना आंसर आपको करना होगा। तो अगर मैं बोलूँ T से अगर मैं -3 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होगा Q। और अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, पहले स्थान पर S दे रखा है, B के अंदर पहले स्थान पर Q दे रखा है, और सी के अंदर पहले स्थान पर पी दे रखा है, और डी के अंदर पहले स्थान पर आर दे रखा है, यानी कि ये सब कट जाएंगे, ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, पर आपको देखना होगा क्या लॉजिक लगा है, क्या रूल यूज़ किया जा रहा है, किस प्रकार से लेटर्स डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हैं। जब आप ये चीज़ फाइंड आउट कर पाओगे तब जाके अपना आंसर कर लोगे। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेट वाले, अक्षर वाले, तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करना होगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फोकसली इन क्वेश्चनों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई करना, लॉजिक फाइंड आउट करना, अगर आपसे ना बने तो उसके बाद ही मेरा आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पे हमें 23 का संबंध 110 के साथ दे रखा है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन बनाया जा रहा है, अगर मैं 23 में से -1 कर दूं, अगर मैं 23 में से -1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा, और इस 22 को अगर मैं कॉमन नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो
तो ये मुझे 110 दे देगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ आया होगा कि पहली वाली संख्या जो लिखी गई है उसमें से -1 करेंगे और जो भी आपको प्राप्त होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ से आपको जो है सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 16 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 80 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे इसका लिए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें 5 और 75 दे रखा है, तो 5 से हम किस प्रकार से 75 बना सकते हैं वो लॉजिक आपको फाइंड आउट करना होगा। देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना होता है, 25 होता है, और इस 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे 75 दे देगा। तो यहाँ से एक लॉजिक निकल के आ सकता है आप लोगों के लिए कि पहली संख्या का स्क्वायर करना है और जो भी स्क्वायर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो आपको सेकेंड संख्या दे देगा। तो हम ये लॉजिक देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लग सकता है। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ 36 होगा, तो यहाँ पे मैं 36 दे रखा है, तो यानी कि ये पहले ही कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये और भी आगे निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप बी को देखोगे, बी के अंदर आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 64, और इस 64 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 चौक 12 होता है, 1 चला जाएगा, 3 छः 18 होता है, 1 19 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाले पे हमें राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, तो यहाँ पर भी आपको सेम लॉजिक लगाना है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है और जो भी स्क्वायर निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। ठीक है तो आप सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन CPO के एग्जाम में पूछा गया था 2020 में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो कॉन्सोनेंट में एक वोवल में। कॉन्सोनेंट जो भी लिखे गए हैं उनके अंदर आपको +4 करना है और वोवल जो लेटर लिखे गए हैं उनके अंदर आपको +1 करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें V दे रखा है, O दे रखा है, W दे रखा है, E दे रखा है और L दे रखा है। तो जो भी कॉन्सोनेंट लिखे गए हैं, जैसे कि W एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हमें 4 लेटर ऐड करने होंगे, L एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हमें 4 लेटर ऐड करने होंगे, V एक कॉन्सोनेंट है तो इसके अंदर हमें 4 लेटर ऐड करने होंगे, O एक वोवल है तो इसके अंदर हमें 1 लेटर ऐड करना होगा, E एक तो इसके अंदर भी हमें 1 लेटर ऐड करना होगा। तो यहाँ से हमें जो है हमारा कोड मिलेगा, अगर V के अंदर मैं 4 लेटर ऐड करता हूँ यानी कि V छोड़ूंगा, फिर W छोड़ूंगा, फिर X छोड़ूंगा, Y छोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे Z मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने जब कॉन्सोनेंट में 4 लेटर ऐड किए तो हमें Z मिला, उसी प्रकार से O के अंदर हमने 1 लेटर आगे गए तो हमें क्या मिला, P मिला। तो बस को आपको यही लॉजिक लगाना है, जो भी कॉन्सोनेंट है उसके अंदर आपको 4 लेटर ऐड करने होंगे और जो भी वॉवल्स हैं उनके अंदर आपको 1 लेटर ऐड करना होगा और आपको अपना अपना अगला अक्षर प्राप्त हो जाएगा। तो F एक कॉन्सोनेंट है और F के अंदर अगर मैं 4 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखो F के अंदर अगर मैं 4 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे J प्राप्त हो जाएगा, और ऑप्शन चेक करूँ तो A के अंदर पहले स्थान पर J रखा है, B में O दे रखा है, ये कट जाएगा, C और D इसका आंसर हो सकते हैं। उसके बाद मुझे R दे रखा है और R भी एक कॉन्सोनेंट होता है और आर के अंदर अगर मैं 4 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे वी प्राप्त होगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँगा तीनों के अंदर ही हमें वी दे रखा है सेकेंड स्थान पर, तो मैं आगे चेक करूँगा, आई एक वोवल होता है यानी कि उसके अंदर मैं 1 लेटर ऐड करूँगा और आई के जैसे एक आगे जाता हूँ तो मुझे जे प्राप्त होगा, और जे तीसरे स्थान पर कहाँ कहाँ दे रखा है, पहले में जे तीसरे स्थान पर दे रखा है, दूसरे में एम दे रखा है, ये कट जाएगा, और चौथे में जी दे रखा है, ये भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आपको जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट लिखे गए हैं उनके अंदर आपको प्लस करना है और जहाँ पे भी वॉवल लिखे गए हैं, ध्यान रखना है जहाँ पे भी वॉवल लिखे गए हैं वहाँ पे आपको +1 करना है, इस रूल का यूज़ करना है और यहाँ से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधित से, तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना बने तो उसके बाद आप मेरा आंसर
देख सकते हो मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमें 84 का संबंध 72 के साथ दे रखा है, तो किस प्रकार से हम 84 के अंदर से 72 बना सकते हैं हमें वो फाइंड आउट करना होगा। देखो कैसे बनाएंगे, 84 को अगर मैं सिंपल टू डिजिट में लिख दूँ, जैसे कि 8 और 4 लिख लूँ और इन दोनों को आपस में प्लस कर दूँ, तो ये कितना होता है, 12 हो जाएगा। ठीक है, और इस 84 में से 12 को निकाल दूँ तो मुझे ये सेकेंड नंबर बना के दे देगा। तो आपको समझ आया होगा, पहली जो संख्या लिखी हुई है उन दोनों डिजिट को आपको प्लस कर लेना है, जो भी एडिशन निकल के आएगा उसे ही पहली संख्या से माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी लॉजिक को हम लगाने वाले हैं ऑप्शन में, चेक करेंगे कौन से वाला ऑप्शन बैठ सकता है सही। तो अगर मैं ऑप्शन बी देखूँ, यहाँ पे हमें 68 दे रखा है और इस 68 को मैं सेपरेटली लिखूँ, यानी कि 6 और 8 लिख लूँ, इन दोनों को आपस में प्लस कर दूँ तो ये 14 हो जाएगा। और 68 में से अगर मैं 14 को निकाल दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाने पड़ेंगे एनालॉगी के क्वेश्चनों के अंदर, तब जाके आप ठीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना दी हैं, अब उन सब वीडियो को देख लेना, सारी वीडियो का आई बटन पर लिंक दे रखा है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी किस किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं एनालॉगी से। ठीक है, तो फ्रेंड इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।